मुकर्रम सामी अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा मुकर्रम है कि आज अल्लाह ताला ने तारीख 9 आज तारीख 11/8/2024 बरोज इतवार इस जामे मस्जिद के इलाके में चाराहट के नाम से जगह मशहूर है और इस मस्जिद के करीब जहाँ तक हमने सुना है यहाँ पुराने लोग भी मौजूद हैं करीब 350-400 साल पुरानी है। 350-400 साल पुरानी ये मस्जिद है। आज अल्लाह की मदद से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हमारे हुजूर साहब तशरीफ ला चुके हैं जिनका असल खिताब है। हुजूर साहब माशाल्लाह आपने हिंदुस्तान में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आपने मदीना में 14 साल की पढ़ाई की और इन्होंने माशाल्लाह हमारे पुत्र साहब तकरीबन अभी जो PhD आपने की है वो हिंदू धर्म में की है, वो 5 साल और माशाल्लाह वहाँ से फरागत यानी वहाँ से तालीम पाने के बाद अभी तकरीबन 5-6 साल से अभी दिल्ली बिहार में पूर्णिया ज़िले में आप कई इदारे चलाते हैं, ख़ास तौर से लड़कियों का इदारा जिसमें 500 बच्चियाँ हैं, लड़कों का भी इदारा जो हॉस्टल में मुकीम है उसमें तकरीबन 300-400 के आसपास लड़के वहाँ हॉस्टल में ज़ेर तालीम हैं और इसी तरह से 3-4 स्कूल हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जितना चाहे काम ले और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल करम से आपकी काफ़ी खिदमत है, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए, असल तो कबूल का मामला है। और हम लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं कोई हमारा अपना हमारी आपकी कोई ऐसी रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन असल जो रिश्तेदारी का जो मामला है वो तौहीद की बुनियाद पर है, वो इस्लाम की बुनियाद पर है और इस इस्लाम की बुनियाद पर आज अलग अलग सूबों से हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से कोई झारखंड से है तो कोई यहाँ पर बिहार से है और कोई दिल्ली से है, कोई राजस्थान से है, अलग अलग सूबों से कोई देहरादून से है, अलग अलग सूबों से आज यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, वो सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर, वो सिर्फ तौहीद की बुनियाद पर। तो ये तौहीद का मामला बहुत अहम है। ये तौहीद एक ऐसी, ये इस्लाम एक ऐसी चीज़ है जो भाईचारा और इसमें मोहब्बत, इसमें उखूवत, इसमें भाईचारा का मामला है। हदीस में आता है कि मुसलमान जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मामला ऐसा है जैसे एक दीवार होती है और एक दीवार होती है और उस दीवार में जो ईंट होती है वो एक ईंट दूसरे ईंट से मिली हुई होती है, कैसे भाईचारा का मामला होता है। तो यही मामला है कि चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो मलेशिया में हो, चाहे वो सऊदी अरब के लोग हों, चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हों, चाहे बांग्लादेश के लोग हों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के लोग हों, चाहे पहाड़ों में रहते हों, चाहे जंगलों में रहते हों, ये इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम से हम लोगों को जोड़ा है और इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं और यही वजह है, यही इस्लाम, इस इस्लाम की इतनी सारी खूबियाँ हैं कि आज दुनिया में अल्लाह के फ़ज़ल करम से आज लोग इस्लाम को पढ़ करके और कुरान को पढ़ करके और हदीस को पढ़ करके आज हज़ारों की तादाद में हर दिन की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, लोग मुतारा करके, लोग पढ़ करके हर दिन हज़ारों की तादाद में इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है ये। और आज हमको जो इस्लाम मिला है, इस इस्लाम में जो सबसे जो है चीज़ है वो ये है कि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी कुर्बानी है, कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। मक्के में तो 13 साल तक कभी खामोश बैठे नहीं रहे, घर में कभी बैठे नहीं रहे, कभी किसी गली में जाते, कभी कहीं जाते, कभी कहीं एक फर्द मिलते, कहीं दो मिलते, कहीं 4 मिलते, कहीं 10 मिलते, यही फिक्र होती कि लोग जहन्नम की आग से बचे हैं। वहाँ के लोगों ने खूब सताया भी, खूब तकलीफ़ें भी दी और अल्लाह के रसूल को कैसी कैसी तकलीफ़ें दी,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक मौके पर तीन साल तक भूखे रहे, सूखे पत्ते खाते थे, सूखे चमड़े खाते थे, सूखी पत्तियां खाते थे। इसी तरीके से सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन को बड़ी तकलीफें दी गई। हर कई सहाबा के ताल्लुक से तारीख आज वो सारी बातें मौजूद हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ताकत के मुताबिक जो अल्लाह ने जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निभाया। और आखिरी खुतबे में आपका जो आखिरी खुतबा था उसमें सहाबा की तादाद कितनी थी? कमोबेश सहाबा की तादाद थी आखिरी खुतबे में 1,24,000 या 1,25,000। उस खुतबे में बुखारी शरीफ में वो पूरी लंबी हदीस है, उस हदीस में ये जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सहाबा से पूछते हैं, मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया? सारे सहाबा गवाही देते हैं कि अल्लाह के नबी आपने पहुँचाया है। इस बात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह इस बात पे गवाह है ना कि सहाबा ने मेरी गवाही दी है। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि देखो जो दीन मैंने बताया है, इस दीन को खामोशी के साथ अमल नहीं करना, इस दीन को गाइबीन तक पहुँचाना। सहाबा ने जब ये बात सुनी, अल्लाह अकबर, सहाबा को ये बात सुनने के बाद सहाबा मक्के और मदीने में रहे नहीं। अभी बताने वाले बताते हैं कि सहाबा की 100, 200 या 400 की तादाद होगी मुश्किल से मक्के मदीने में टोटल मिला करके। बाकी सहाबा गए कहाँ? दुनिया के अलग अलग कोने में गए, और जहाँ गए वहाँ पे एक इंकलाब बरपा हुआ। बहरहाल बात मैं लंबी नहीं करना चाहता, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब अल्लाह के रसूल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सहाबा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, सहाबा दुनिया में फैल गए, बसरा, कूफा, शाम, फिलिस्तीन, हिंदुस्तान भी आए, कई सहाबा हिंदुस्तान आए। और जहाँ गए अखलाक के ज़रिए से, किरदार के ज़रिए से, गुफ्तार के ज़रिए से, मेहनत और कोशिश, और लोग उनके अखलाक और किरदार से हज़ारों की तादाद में लोग ईमान के अंदर दाखिल हो गए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब इस हिंदुस्तान की सरजमीन में हम मौजूद हैं, और ये हिंदुस्तान की सरजमीन में तकरीबन 10-15 साल से इस मैदान में हूँ। ये हिंदुस्तान की धरती बहुत दरखेज है, बहुत दरखेज है। लोग इस्लाम को समझने के लिए तैयार हैं, कोई आए और इस्लाम को समझाए। अभी 2 साल पहले की बात है, हमारे दुपुर मोहतरम की मैयत में हम लोग अजमेर गए थे। कहाँ गए थे? अजमेर। वहाँ पर देखा हजारों घर लोग मुर्तद हो चुके हैं, और कहीं 200 कहीं जो है किसी गांव में 200 घर हैं, किसी गांव में 500 घर हैं, किसी गांव में 1,000 घर है, किसी गांव में 1,300 घर है। ना वहाँ मस्जिद है, ना वहाँ मकतब है, और सारे मुसलमानों के घर हैं। घर किनके हैं? और उन घरों के बीच में, मुसलमानों के घरों के बीच में क्या होना चाहिए? मस्जिद के बजाय वहाँ मंदिर हैं। वो सारे मुसलमान वहाँ जाके क्या कर रहे हैं? मुसलमान किसी गांव में, मुसलमानों के गांव में, मैं गैर मुस्लिम के गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी गांव में, किसी मुस्लिम गांव में 5 मंदिर, कहीं 2 मंदिर, कहीं 10 मंदिर, कहीं 13 मंदिर, इस बात पर हमारे शेख मोहतरम गवाह हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ पर 2 मस्जिदें अमल में आई हैं, 2 मुबल्लिग वहाँ माशाल्लाह दीन की खिदमत कर रहे हैं, और जगह जगह स्कूल वहाँ जो है बच्चों को दीनी तरबियत के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए वहाँ पर जगह जगह मकतब की अशद ज़रूरत है। मैं इन दरों को आलू से ये कहना चाहूँगा, अल्लाह ने ये ज़िंदगी एक बार दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में हमको खाने पीने के लिए नहीं भेजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत के लिए भेजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौहीद की दावत, अगर हम मुवहिद हैं, अगर हम अल्लाह को जानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने महलों से बाहर निकलें, अपने घरों से बाहर निकलें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पर लोग दीन के प्यासे हैं, हम लोग वहाँ जाएँ, हम लोग वहाँ लोगों को बताएँ। लोग समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिस तरीके से आज एक
आवाज पर आप लोग इन लोग से यहाँ ले आए, यहाँ तशरीफ लाए, ऐसे अल्लाह जो हमारी बची कुछ जिंदगी है, जो बची कुछ जिंदगी है अल्लाह हमें इस दिल्ली के मुख्तलिफ जगहों में या राजस्थान के मुख्तलिफ जगहों में जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत है वहाँ हम प्लानिंग करें, वहाँ हम जाएँ और लोगों को अल्लाह की दावत दें। इस दुनिया में इससे बड़ा काम, इस दुनिया में इससे बड़ा काम नहीं है। ये काम अल्लाह ताला ने नबियों को दिया, अब नबियों के बाद अब आखिरी नबी आ चुके, अब जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है, इस जिम्मेदारी को समझना है और अल्लाह ताला हमें हमारे जरिए से अल्लाह हमसे दीन का काम ले और हमारे टूटे फूटे अमाल को कबूल फरमाए। मैंने माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से शेख साहब आ चुके हैं और ज़्यादा वक्त भी नहीं है। यहाँ पर नमाज अजान कितने बजे है? 8:35 पे अजान है। अभी शेख साहब का आधे घंटे का दर्स होगा, कितना और 10-15 मिनट टाइम जो बचेंगे उसमें इंशाल्लाह सवाल जवाब, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो दुक्तूर फजलतु शेख दुक्तूर इब्राहिम बुखारी मदनी हफिज़हुल्लाह सदर जमीतुल अमान पूर्णिया बिहार तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं शेख से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी मौदू की और अपनी कीमती बातों से हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। जज़ाकुमुल्लाह फ़ज़लतु शेख दुक्तूर इब्राहिम अल मदनी हफिज़हुल्लाह।